जिला जज राजीव भारती की अदालत के द्वारा आज श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण के सबसे पहले अदालत में पेश किए गए वाद को एडमिट कर लिया गया है। वाद की स्वीकृति को लेकर जिला जज की अदालत में रिवीजन में सुनवाई चल रही थी। बता दें, रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। इस मामले में DCG शिवराम तरकर ने बताया कि वाद को एडमिट कर लिया गया है। जिला जज अब किस कोर्ट को सुनवाई के लिए यह प्रकरण देंगे, अभी फैसला नहीं किया गया। बता दें, रंजना अग्निहोत्री ने राम जन्मभूमि अयोध्या प्रकरण में भी अदालत में वाद दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान की है और यहाँ शाही ईदगाह खड़ी है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और मंदिर का गर्भगृह है। वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने बहस के बाद संबंधित निर्णय को रिजर्व कर लिया गया है, बृहस्पतिवार को निर्णय दिया गया। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा अदालत में पेश वाद में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को श्री कृष्ण विराजमान की संपत्ति माना है और उन्होंने अदालत से कहा कि यह संपत्ति श्री कृष्ण विराजमान को सौंपी जानी चाहिए। वह खुद श्री कृष्ण विराजमान के भक्त बनकर सामने आई है। अदालत में सबसे पहले इस संबंध में वाद पेश करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता द्वारा पूर्व में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट तथा शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित पदाधिकारियों के बीच में समझौते को गलत बताया। 5 मई को वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा अन्य द्वारा जिला जज की अदालत में बहस की गई। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद जिला जज राजीव भारती ने निर्णय को रिजर्व करते हुए निर्णय के लिए 19 मई तय की थी। अधिवक्ता विष्णु शंकर ने बताया कि अदालत में हमने अपना पक्ष रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।